आम आदमी पार्टी एक रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराने जा रही है, लेकिन किस पर बताने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक। आखिर किस चीज को लेकर रेफरेंडम करने जा रहे हैं, नौबत क्यों आई? देखिए मोदी जी की ये पूरी की पूरी प्लानिंग है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? उनका पर्पज है कि सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाए। मनीष जी को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया। अब उनकी प्लानिंग है कि सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए। उनको ये लगता है कि सीएम साहब अगर एक बार जेल में चले गए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना बहुत आसान काम है। वो इस मकसद को हमें कामयाब नहीं होने देना, इसलिए कल हमारे एमएलएज ने भी मीटिंग की, हमारे काउंसलर्स ने भी मीटिंग की आज, और हमने एक सुर में ये बात कही कि आपको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तिहाड़ रखें या अंदर रहें या बाहर रहें, अगर अंदर ही करते हैं तो वहां से आपको सरकार चलानी है, आपको बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देना। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके बारे में वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ कि अब हम पूरी दिल्ली के अंदर जा जाके इसके ऊपर रेफरेंडम करेंगे, बातचीत करेंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो रेफरेंडम आप कह रहे हैं, इसका प्रारूप क्या रहेगा? क्या ये दिल्ली तक सीमित रहेगा या फिर अन्य राज्यों में, जैसे पंजाब में आपकी सरकार है? ये पूरे देश के अंदर करेंगे और इसका प्रारूप डिटेल आपको एक दो दिन में बता दूंगा। क्या आपने, जिस तरह से आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री वही रहेंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे, कोई आपने लीगली सलाह ले ली है कि किस तरह से सरकार चलेगी अगर ऐसा होता है? लीगली ये पॉसिबल है, लीगली इसमें कोई हर्डल नहीं है और अब जनता को तय करना है कि सरकार अंदर से चलेगी या सरकार सीएम साहब को। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आबकारी मामले में ईडी जो जांच कर रही है उसकी तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और ये भी कहा गया है कि जो सरकार है वो तिहाड़ जेल से चलाएंगे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, इसे नौबत आती है। इसको लेकर के बड़ी बात यह है कि सोमवार को विधायकों के साथ बैठक की थी और मंगलवार को पार्षदों के साथ, और यह तय किया गया है कि एक रेफरेंडम कराया जाएगा और जनता से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बने रहें या फिर उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रोड्यूसर की मनीष टोडियल के साथ जितेंद्र भारती ने भारतवर्ष दिल्ली।